Hello everyone, my name is Manish and I have done my hair transplant at Divine Cosmetic Surgery. मैंने यहाँ आने के पहले बहुत सारे रिसर्च करा था, YouTube पे ही करा था। बहुत सारे क्लिनिक थे जहाँ पे हम जा सकते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो फाइनली मैंने डिवाइन को सेलेक्ट किया क्योंकि इनका जो रिव्यू वगैरह जो था YouTube पे वो काफ़ी अच्छा था। और अभी मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 5 महीने हो गए और रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने जो सोचा था वैसा ही रिज़ल्ट है। बट इसके पहले मैंने काफ़ी सारे होम्योपैथी और एलोपैथी डॉक्टरों को दिखाया था कि मेरा हेयर फॉल रुक जाए या फिर जो मेरे हेयर लॉस हुए हैं वो वापस आ जाए, बट बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि अब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाना चाहिए और एक ऐसी जगह से जाना चाहिए जहाँ पे जो रिज़ल्ट हो या जो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल हो वो काफ़ी अच्छा हो। तो मैंने डॉक्टर अमित गुप्ता के बारे में सुना, उनका रिव्यू भी देखा, तो फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यहीं से कराना है। और मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था अप्रैल 2022 में, और अभी मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 5.5 महीने हो गए और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और मैं बहुत ही मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा डॉक्टर अमित गुप्ता और उनकी टीम को। और आप लोग जो सोचते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, उनको ज़रूर एक बार यहाँ पे आके डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। और हेयर ट्रांसप्लांट भी अगर आप सोच रहे हो तो ये क्लिनिक काफ़ी अच्छा है। मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन नहीं आने का रीज़न भी था कि मैं एक अच्छे क्लिनिक से कराना चाहता था और उसके लिए थोड़ा सा मतलब मैं चाह रहा था कि मैं किसी सस्ते क्लिनिक में नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। बट ठीक है, मतलब देर आए दुरुस्त आए एक कहावत है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास में थोड़े पैसे की प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा देर वेट कर लो, बट एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन से ही आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट को करवाओ। पैसे मत देखिए, क्योंकि ये तो आप एक बार कराओगे ना, ये ऐसा तो है नहीं कि हम हर साल करवा रहे हैं या 2 साल में 3 साल में एक बार करवा रहे हैं, एक ही बार होता है। तो ऐसी ही जगह पे कराना चाहिए ताकि आपका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक चले, और हमेशा एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन से ही करवाना चाहिए।